कल से ये खबरें चल रही हैं कि शाहीन आफरीदी जो है खुदा खास्ता फिर अनफिट हो गए आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे बिल्कुल आप फ़िट फाट नजर आ रहे हैं किस दुश्मन ने उड़ा दिए थैंक यू नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और uh, मैं बिल्कुल फिट हूँ आई थिंक कभी कभी रेस्ट भी अच्छा होता है आपके लिए और uh, ज़ाहिर सी बात है मैच खेल के ट्रैवल किया था और फिर उसके बाद कुछ कमिटमेंट्स थी हॉकी के कुछ अनाउंसमेंट वग़ैरह थी आ, जो पीडीबी के थ्रू लाहौर कलंदर के थ्रू अनाउंस करना था तो आई थिंक उसकी वजह से ज़्यादा ट्रैवल था प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो उसके बावजूद मैं थोड़ा सा लेट पहुँचूँ बट ओवरऑल अलहमदिल्ला फिट और कभी रेस्ट अच्छा होता है चलें जी आपने सुन लिया कप्तान शहिन्शाह आफरीदी कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है और अपनी मर्ज़ी से मैंने आराम किया और कह रहे हैं कभी कभी आराम अच्छा भी होता है तो शायन ये बताएं कि टूर्नामेंट में आप जीत के साथ सफ़र की शुरुआत करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती तो मुल्तान में जो मैच था कभी आपके हक में आ रहा था कभी मुल्तान के हक़ में जा रहा था और फाइनली आपकी टीम जीत गई लेकिन हमने देखा कि पहले आप डेविड वीज़ा के साथ बॉलिंग एंड पर खड़े हुए थे फिर वक़ार वक्काूस ने कमेंट्री बॉक्स से कहा कि शायद ड्रेसिंग रूम से इशारा हुआ है फिर उन्होंने जमान ख़ान को बुलाया तो आप इसकी ज़्यादा अच्छी वजात कर सकते हैं अच्छा आ, नहीं आई थिंक uh, काफ़ी अच्छा मैच हुआ पी एस एल का पहला मैच और इतना टफ लास्ट बॉल तक पहुँचा आई थिंक uh, क्रेडिट जाते दोनों टीमों को और uh, देखिए uh, चांस तो काफ़ी कम था जब रिजवान और शान खेल रहे थे बट uh, हमारी यही कोशिश थी कि अगर एक विकेट मिल गई और uh, जब हमने ब्रेक किया uh, इनिंग्स ब्रेक में तो uh, पानी का जो दो मिनट का औफा उसमें के बाद हमारा यही था कि अगर एक विकेट हमें और मिल गई तो हम uh, गेम मैनो हो जाएंगे बस चौका नहीं देना और उसी को लेके चले फिर जब आखिरी ओवर आया तो ऑफ़कोर्स ज़ाहिर सी बात है मेरे पास हमेशा दो ऑप्शन होती है और डेविड वीजे और ज़मान जो इस जमान ने हमें लास्ट में भी चार मैचेज जीताए हैं लेकिन वीजे के साथ ज़ाहिर सी बात है ओवरऑल उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है टी ट्वेंटी में तो उसके साथ मशवरा करके हमने ये प्लान किया कि हम जमान को देंगे और बाकी तो मुझे नहीं पता कमेंट्री बॉक्स से क्या हो रहा है क्या नहीं बड़ा आपको पता है जब आखिब भाई ने दो साल पहले कहा था कि सारी चीज़ें शहीन ही संभालता है अंदर